निकोदिमस नामक एक फरीसी जो यहूदियों के प्रधानों में से एक थे, रात के समय मसीह यीशु के पास आए और उनसे कहा, रब्बी, हम जानते हैं कि आप परमेश्वर की ओर से भेजे गए गुरु हैं, क्योंकि कोई भी ये अद्भुत काम जो आप करते हैं नहीं कर सकता यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो। इस पर मसीह यीशु ने कहा, मैं आप पर यह अटल सच्चाई प्रकट कर रहा हूं, बिना नया जन्म प्राप्त किए परमेश्वर के राज्य का अनुभव असंभव है। निकोदेमास ने उनसे पूछा, वृद्ध मनुष्य का दोबारा जन्म लेना कैसे संभव है? क्या वो नया जन्म लेने के लिए पुनः अपनी माता के गर्भ में प्रवेश करे? मसीह यीशु ने स्पष्ट किया, मैं आप पर यह अटल सच्चाई प्रकट कर रहा हूं, जब तक किसी का जन्म जल और आत्मा से नहीं होता, परमेश्वर के राज्य में उसका प्रवेश असंभव है। क्योंकि मानव शरीर में जन्म मात्र शारीरिक जन्म है, जबकि आत्मा से जन्म नया जन्म है। चकित ना हो कि मैंने आपसे ये कहा कि मनुष्य का नया जन्म होना जरूरी है। जिस प्रकार वायु जिस ओर चाहती है उस ओर बहती है, आप उसकी ध्वनि तो सुनते हैं किंतु ये नहीं बता सकते कि वो किस ओर से आती और किस ओर जाती है। आत्मा से उत्पन्न व्यक्ति भी ऐसा ही है। निकोदेमास ने पूछा, ये सब कैसे संभव है? मसीह यीशु ने उत्तर दिया, इज़राइल के शिक्षक होकर भी आप इन बातों को नहीं समझते। मैं आप पर ये अटल सच्चाई प्रकट कर रहा हूं, हम वही कहते हैं जो हम जानते हैं और हम उसी की गवाही देते हैं जिसे हमने देखा है। किंतु आप हमारी गवाही ग्रहण नहीं करते। जब मैं आपसे सांसारिक विषयों की बातें करता हूं, आप मेरा विश्वास नहीं करते। तो यदि मैं स्वर्गीय विषयों की बातें करूं तो विश्वास कैसे करेंगे? मनुष्य के पुत्र के अलावा और कोई स्वर्ग नहीं गया, क्योंकि वही पहले स्वर्ग से उतरा है। जिस प्रकार मोशे ने जंगल में सांप को ऊंचा उठाया, उसी प्रकार जरूरी है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचा उठाया जाए, कि हर एक मनुष्य उसमें विश्वास करे और अनंत जीवन प्राप्त करे। परमेश्वर ने संसार से अपने अपार प्रेम के कारण अपना एक लौता पुत्र बलिदान कर दिया, कि हर एक ऐसे व्यक्ति का जो पुत्र में विश्वास करता है उसका विनाश न हो, परंतु वो अनंत जीवन प्राप्त करे। क्योंकि परमेश्वर ने अपने पुत्र को संसार पर दोष लगाने के लिए नहीं, परंतु संसार के उद्धार के लिए भेजा। हर एक उस व्यक्ति पर जो उनमें विश्वास करता है, उस पर कभी दोष नहीं लगाया जाता। जो विश्वास नहीं करता वो दोषी घोषित किया जा चुका है, क्योंकि उसने परमेश्वर के एक लौते पुत्र में विश्वास नहीं किया। अंतिम निर्णय का आधार ये है, ज्योति के संसार में आ जाने पर भी मनुष्यों ने ज्योति की तुलना में अंधकार को प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। कुकर्मों में लीन व्यक्ति ज्योति से घृणा करता और ज्योति में आने से कतराता है कि कहीं उसके काम प्रकट ना हो जाए। किंतु सच्चा व्यक्ति ज्योति के पास आता है, जिससे ये प्रकट हो जाए कि उसके काम परमेश्वर की ओर से किए गए काम हैं।